Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss Cauchy-Riemann equations in polar form. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है Cauchy-Riemann equation in Cartesian form. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो थ्योरम कुछ ऐसा है, इफ fz इक्वल u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड z इक्वल r e टू द पावर i थीटा वेयर u v r एंड थीटा आर ऑल रियल, then the Cauchy-Riemann equations are del u by del r equal 1 by r del v by del theta and del u by del theta equal to minus r del v by del r. तो यहाँ पे जो fz है हमारा वो गिवन है कि एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जेड के किसी भी पॉइंट पर, जेड के पॉइंट पर या फिर उसके किसी नेबरहुड में, हर जगह फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो एनालिटिक फंक्शन होता है. तो यहाँ हमें शो करना है कि जो सी आर इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर. तो गिवन है एफ जेड इक्वल u प्लस आई वी, और यहाँ पे जो z है इसको हम लिख सकते हैं r e टू द पावर i थीटा इक्वल टू u प्लस आई वी. ठीक है, दिस इज z, सो z इक्वल r e टू द पावर i थीटा. यहाँ से हमें दिख रहा है कि डेल u बाई डेल r है और यहाँ डेल u बाई डेल v बाई डेल थीटा, यहाँ पर डेल u बाई डेल थीटा. तो अगर हम इस इक्वेशन को एक बार r के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो हमें ऐसा कुछ मिल सकता है. तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, सो ये हो जाएगा एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, और फिर से हम जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा ई टू द पावर आई थीटा. इधर डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर. इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन टू. फिर से हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे. तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से एफ का एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू, नहीं फिर से हम यहाँ ई टू द पावर आई थीटा का करेंगे तो हमें मिलेगा आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा एंड आई. क्लियर? सो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू, जब ब्रैकेट में करेंगे तो आर हमारा कॉन्स्टेंट होगा और ई टू द पावर आई थीटा का ई टू द पावर आई थीटा इंटू आई. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा. क्लियर? डेल यू बाई डेल थीटा एंड डेल वी बाई डेल थीटा इस तरह से. सो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं. अब इक्वेशन टू और थ्री को यूज करके हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें पता है एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा. तो अगर हम इक्वेशन थ्री को देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू वही है जो इक्वेशन टू में है. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन टू से इक्वेशन थ्री में. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा फ्रॉम इक्वेशन टू, इन इक्वेशन थ्री वी गेट, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे हो जाएगा आई आर इंटू
this del u by del r plus I del v by del r, clear? ये I r को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो यहाँ पे हैं. तो del u by del r plus I del v by del r equal del u by del theta प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा. ये डेल थीटा है, ठीक है. इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई आर डेल यू बाई डेल आर, और ये आई 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 स्क्वायर, सो माइनस आर, ये वी है, सो दिस इज डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा, क्लियर. तो अब हम अगर इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करें तो हमको क्या मिलेगा, रियल पार्ट हमारा ये है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है. तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो दोनों तरफ से अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये है रियल पार्ट, सो आर डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू डेल वी बाई डेल थीटा एंड माइनस आर डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, और ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा, ये तो एज इट इज लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ आर डेल वी बाई डेल आर, और यही हमें लाना था, ठीक है. तो ये है हमारा पोलर फॉर्म में कॉची रिमान इक्वेशन. तो कॉची रिमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सो दिस इज द कॉची रिमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है. तो हमें थ्योरम से चीज़ें उठानी है. पहले हम फंक्शन ले लेंगे एफ ऑफ जेड, जो कि यू प्लस आई वी के बराबर है. यहाँ पे यू और वी दोनों एक्स वाई का फंक्शन होता है, इस तरह से यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और उसी तरीके से वी भी फंक्शन होता है एक्स वाई का. और फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आर और थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो एक बार हम आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, जिससे हमें दो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री. और फिर दोनों से हम आपस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, एंड देन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल माइनस आर डेल वी बाई डेल थीटा. सो ये हमारा रहा एक थ्योरम जो कॉची रिमान इक्वेशन था पोलर फॉर्म में. इसके बाद हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो ये है थ्योरम, प्रूव दैट कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव. तो कॉन्टीन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन होती है डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए, यही हमारा थ्योरम है. ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा हुआ है. तो इसके साथ साथ एक कभी कभी सफिशियंट कंडीशन भी पूछता है कि कॉन्टीन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट दिस इट इज़ नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर द डेरिवेटिव. तो सफिशियंट वाले कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे.
फिलहाल केवल नेसेसरी कंडीशन। तो कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएटिव के लिए या डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंसिबिलिटी के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो फॉर डेरिवेटिव्स हम पहले मान लेते हैं, लेट एफ जेड बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। हम किसी पॉइंट पे मान ले रहे हैं कि जो एफ जेड है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट एज, क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड। क्लियर? यहाँ पे फिर हम डेल्टा जेड भी लिख सकते हैं या सिंपली जेड भी ठीक है। और यहाँ पे जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन का तो यहाँ पे होता है जेड माइनस जेड नॉट, या कभी कभी हम डेल्टा जेड भी यूज़ कर लेते हैं। और कंडीशन ये है कि जेड इज़ नॉट इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, एज एग्जिस्ट जेड इक्वल टू जेड नॉट के आसपास कहीं भी इसके नेबरहुड में ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारा एफ जेड डिफरेंशियल फंक्शन होगा। तो कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर हमें इसी डिफरेंशियलिटी के कंडीशन को यूज करके हमें कंटिन्यूटी को दिखाना है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो हम उल्टा शुरू कर रहे हैं कि हम बगैर कोई फंक्शन लें जो एक डिफरेंशिएबल हो उसी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एफ जेड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सेम ही है, बिल्कुल वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। सो टेकिंग लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट बोथ साइड, सो वी गेट लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट एंड दिस इज इक्वल लिमिट z into z naught, z tending to z naught, so z minus z naught and into limit z into z naught f z minus f z naught upon z minus z naught, ठीक है। तो ये हमारा वही फंक्शन है डेरिवेटिव वाला जो यहाँ पे था एफ जेड एफ डैश जेड इक्वल टू, या इसको हम बल्कि ऐसे लिखें एफ जेड नॉट इस तरीके से। सो ये पूरा का पूरा वही है। और जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे जेड को जेड नॉट पे टेंड करा देंगे तो ये लिमिट हमें क्या देगी, ये लिमिट हमको देगा ज़ीरो, और ये हो गया हमारा एफ डैश जेड नॉट। क्लियर? एफ डैश जेड नॉट, और इधर क्या है लिमिट एक तरह से एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ऐसा। तो ये पूरा राइट वाला पोर्शन एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और इसको हम अगर थोड़ा ब्रेक करेंगे
ये z टेंडिंग टू z नॉट था, ये हो जाएगा लिमिट लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z, और इस पर अगर हम अप्लाई करेंगे लिमिट को तो ये वही फंक्शन देगा f ऑफ z नॉट। क्लियर, z नॉट ही है ये पॉइंट, तो अगर हम z नॉट की जगह z नॉट ही प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे हम लिमिट लगाए रखेंगे, जो भी पॉइंट होगा उसके हिसाब से z का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरा टर्म हो गया ज़ीरो, इसलिए ये ज़ीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट। तो ये जो लास्ट रिजल्ट दिख रहा है, ये रिज़ल्ट हमारा कॉन्टीन्यूटी को ही शो कर रहा है, तो फाइनल रिज़ल्ट है क्या शो कर रहा है, कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पे, एट z इक्वल टू z नॉट। क्लियर, तो अगर किसी फंक्शन एफ जेड को अगर हमें z नॉट पे कॉन्टीन्यूअस दिखाना है तो हमें यही दिखाना होता है कि लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट, अगर ये वैल्यू सेम होती है तो हम कहते हैं कि एफ जेड हमारा कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पर, इस पॉइंट पे। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन शोज दैट एफ जेड इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, एफ जेड इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, एंड दिस प्रूव्स द कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनल डेरिवेटिव। तो हम एक लाइन और यहाँ जोड़ सकते हैं, एंड दिस प्रूव्स दैट तो सेम थ्योरम आप जोड़ सकते हैं यहाँ से, कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका एक सफिशियंट पार्ट भी होता है, वो थ्योरम अलग से उसको डिस्कस करेंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।